इस बार तो बहुत बड़ा हाथ लगा है। अरे कुछ महीने आराम से बैठ के खाएंगे। बात तो एकदम सही कह रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, असली हलवा तो कल मिलेगा जब सेठ ज्ञानचंद पैसे देगा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। पर ज्ञानचंद तो बड़ा ही कंजूस आदमी है, पर साला अपने इकलौते बेटे के लिए जेब तो ढीली कर ही देगा। लगता तो है। अगर उसने कहीं पुलिस को बता दिया तो? नहीं, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और अगर उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसके लड़के के छोटे छोटे टुकड़े करके पार्सल कर दूंगी। वो क्या नाम है उसका? करण। करण हीमा उसको लेके आता ही होगा। चुपचाप चल, नाटक मत कर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो। घर तो अब तू तभी जाएगा बच्चे, जब तेरा बाप पैसे देगा, नहीं तो तू जाएगा सीधा ऊपर। ले जाओ इसे, नजर रखो इस पर। यही है अपने सेठ ज्ञानचंद के तिजोरी की चाबी। अब तुम लोग क्या हंस रहे हो? जाओ जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी सुनसान जगह पे इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा है?
ये आवाज कैसी बे? पता नहीं, पर ये मालिनी कहाँ गई? लगता है वो चीख मालिनी की थी। भीमा, बच्ची को लेकर जल्दी बाहर आ। बॉस, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या हुआ? भीमा, एक काम कर, इसको ले और कहीं छुपा दे इसको। पर बात क्या है? भीमा, समझाने का टाइम नहीं है। तूने वो चीख नहीं सुनी क्या? इसको कहीं छुपा दे और एक काम कर, ये पैसा भी लेके जा। ठीक है, चल निकल निकल। ये पानी कैसा? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल निकल 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 यहां से। इतने डरे हुए क्यों? क्या बात है? क्या बात क्या है? कहाँ है? जंगल में कहाँ? सभी तम्बू नष्ट कर दिए। हर तरफ सिर्फ खून ही खून। अरे संभालो उसको, संभालो उसको। अरे कोई पानी ला जल्दी, जल्दी पानी ला, जल्दी ले गया, जल्दी पानी ले क्या? दे भैया होश में हो? लगता है इसने कोई आत्मा देख ली है। अरे कोई आत्मा नहीं है, इसने जरूर कोई जंगली जानवर देख लिया होगा। चलो हम लोग चल के देखते हैं जंगल में। चलो भैया चलो। अरे मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, हम ही लोग चल के देखते हैं। चलो सावधानी से चलो, अगर जानवर सामने आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे जानवर मारा से कर डरना, ये हथियार है ना हमारे पास। अरे ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, साथ साथ चलो, समझे? चलो यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
बहादुरी से हम आ तो गए लेकिन अब डर लग रहा है। फिकर मत कर, साथ में तो है। अरे वो कहाँ गया? कौन? चलो तो से मरने दो। चलो किसो करते हैं, इन धब्बों का पीछा करते हैं, शायद लाशें आगे होंगी। चलो पता चला वो बेचारा बेहोश क्यों हुआ। ऐसा भयानक नजारा देख के तो किसी के भी पैर कांपने लगेंगे। ये बंदूक शायद उन लोगों की है जो मारे गए। मतलब लुटेरे ठहरे थे इन तंबुओं में? लुटेरे या डाकू ही होंगे, पर ये नजारा देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बचा होगा। पर इन्हें मारने वाला कौन हो सकता है? जरूर ऐसा जानवर या कोई आदमी जो इस बंदूक से अभी नहीं डरा। इंसान के टुकड़े, ये ना जाने कैसा जानवर होगा जिसने ये किया है। कोई भी जंगली जानवर इस तरह नहीं मार सकता किसी को। तो फिर कौन हो सकता है? इंसान ऐसा खून नहीं कर सकता। मुझे लगता है किसी आत्मा का काम है, किसी बुरे से आएगा। ये मोबाइल फोन, सिर्फ ये एक मोबाइल फोन मिला था मुझे जंगल से। मैं नहीं जानता कि आप लोग किस रिकॉर्डिंग को ढूंढते हो यहाँ पर आए। हर्ष, जिस रिकॉर्डिंग के बारे में दुर्जन ने हमें बताया शायद वो इसी फोन में हो। पर आप लोग हैं कौन? आप लोगों को कैसे पता चला इस हादसे के बारे में? ये सब जानना इतना जरूरी नहीं है जितना ये पता लगाना कि ये खून किसने किया है। कुछ रिकॉर्ड हुआ? हाँ, कल की तारीख का एक वीडियो तो है। ये तो एक लड़की की आवाज है। लगता है फोन उसी लड़की ने पकड़ा है। लेकिन ये घने और सुनसान जंगल में लड़की कर क्या रही है? कुछ रोशनी दिख रही है, और ये लड़की उसी रोशनी की ओर जा रही है। जंगल के बीच में रोशनी,
देखा तुम लोगों ने, ये अब रोशनी से दूर भाग रही है। शक्ति है ये, अपने साथ इस बेचारी लड़की को भी ले गई। ये कैसी शक्ति है तो पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है इसका संबंध जरूर दूसरी दुनिया के साथ है। चलना वापस चलते, मुझे बड़ा डर लग रहा। भाई चुप कर, डरपोक कहीं का। डरने की बात तो तब होती ना अगर किसी को फावड़ा मिल जाता। और हाँ, तुझे फावड़े पर नाम लिखने को किसने बोला था? हैं? पक्का जेल में जाएंगे दोनों, पक्का। अरे जेल में जाएंगे बाद में, पहले ये बताओ आप क्या करें। अबे चल चल कर फावड़ा ढूंढते हैं। चल चल। वो मेरा पाउडर था, लेकिन इसको तो मैंने मेहर पे छोड़ा था, यहाँ कैसे आ गया? अबे क्या देख रहा है, फावड़ा उठा और चल, जल्दी कर। हाँ, उठाता हूँ। श्याम मारा गया, तुम नहीं जानते हो कितने भयंकर तरीके से यहाँ के लोगों को कोई मार रहा। कहीं उसका संबंध उसी से तो नहीं जो तुमने हमसे करवाया था? बोलो, जवाब दो। जैसा मैं सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचता। गांव वाले कह रहे थे कि उन्हें कुछ बंदूकें भी मिली थी जंगल से। इसका मतलब ये कोई चोर लुटेरे या फिर डाकू भी हो सकते हैं? नहीं राघव, अगर ऐसी बात होती तो दुर्जन हमें यहां कभी नहीं भेजते। ये कोई आत्मा ही है, कोई ऐसी शक्ति जो इंसानी पहुंच से बहुत दूर। और हम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक वो शक्ति इस कैमरा में कैद नहीं हो जाए। जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग पुलिस स्टेशन से आए। पुलिस स्टेशन से? जी हाँ, हमने सुना तुम्हें कोई मोबाइल फोन मिला है।
जी यही है। ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? वो तो हमें गांव वालों ने दिया था। गांव वालों ने? तुम कौन हो? पुलिस हो? मिलिट्री से हो? आखिर कौन हो तुम लोग? एक्चुअली हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं उस जंगल पे। फिल्म बनाने आए हो या किडनैपिंग करने? किडनैपिंग? हमको समझे नहीं। इस शहर में ज्ञानचंद नाम का एक अमीर आदमी है और उसके बेटे करण का किडनैपिंग हुआ है। तो इससे हमारा क्या लेना देना? हमें शक है कि तुम लोगों ने मिलकर उसका किडनैप किया है। क्या? देखिए आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। हम यहाँ शहर से इतनी दूर कोई किडनैपिंग करने नहीं आए हैं। जानते हो ये फोन किसका है? हाँ, किसी लड़की का है ना ये? मालिनी नाम है उस लड़की का। बहुत बड़ी अपराधी है वो और पुलिस को उसकी तलाश है। इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम यहाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। देखिए हमें पक्की खबर मिली है कि मालिनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्ञानचंद के बेटे करण का किडनैपिंग किया है। जब ये फोन जंगल में मिला है तो बच्चा भी जंगल में ही होना चाहिए। हाँ, जाइए जंगल में ढूंढिए उन्हें। जाइए। तुम लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा उसी जंगल में। हम लोग क्यों चलेंगे आपके साथ? क्योंकि तुम लोग भी शक के घेरे में हो। पर हमने क्या किया है? एक मिनट। ठीक है, चलो। चलिए। करण, 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 करण। अगर हम इस तरह खोजते रहे तो सुबह हो जाएगी, पर फिर भी करण हमें नहीं मिलेगा। देखिए हम पर भरोसा कीजिए, ना तो हम किडनैपर्स हैं ना ही उनके साथ मिले हुए हैं। अगर हम अलग अलग होकर करण को ढूंढें इसमें ही भलाई होगी। ठीक है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं करना। हम पे भरोसा कीजिए, हम नहीं भागेंगे। ओके, आप लोग इधर से जाओ, हम लोग इधर से चलते हैं। ठीक है। करण, 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 यार मुझे तो लगता है कि करण को भी ना वो शक्ति निकल गई। लेकिन ये बात उन पुलिस वालों को कौन समझाए? रोना बंद कर, चुपचाप खाना खा ले। देख मुझे गुस्सा मत दिला, गुस्सा मत दिला वरना तेरा गला। हां साहब, हाथ पार। कौन हो तुम लोग? चुपचाप मेरी तरफ आ जा। चल चल मेरी तरफ आ जा। चल देखो, चल गोली मत चलाना। कोई चला कि नहीं? कोई चला कि नहीं? चलाना प्लीज, कोई चला कि नहीं? वरना गोली मार दूंगा। गोली के पास चलो। ए रुक, रुक। क्या? मैंने उसको गोली मारी है। चलो प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। वो ढूंढते हुए आ रहे, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तुम घबराओ मत बेटा, हम लोग आ गए हैं ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वो आ रहे लालटेन लेके आ रहे। लालटेन लेके आ रहे? कौन लालटेन लेकर आ रहे? वो लंबे लोग। लंबे लोग? रोशनी से दूर हटो, रोशनी से हटो, रोशनी से दूर हटो। लगता है इसे किडनैपिंग का सदमा हुआ है। किडनैपिंग का नहीं, तो रोशनी का जो आगे बढ़ रही है। रोशनी? हाँ, मौत की रोशनी। पता नहीं कौन है वो लालटेन वाले लोग, और न जाने कौन बनेगा इनका अगला शिकार। बेचारा वो बच्चा करे, न जाने क्या गुजरी होगी उस पर। पहले तो वो किडनैप हुई, और अब उसने उन रोशनी वाली आत्माओं को भी देखा होगा। गांव वाले कह रहे थे कि वो दलदल यही कहीं है, जहां पे ये सारी मौतें हुई। एक एक कदम ध्यान से रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस दलदल के शिकार बन जाएं। बस एक बार ये रोशनी वाली शक्तियां रिकॉर्ड हो जाए कैमरा पे, फिर मैं एक मिनट भी नहीं रुकना चाहूंगी इस भयानक जगह में। यामिनी, ये देखो। फावड़ा? ये क्या, इस फावड़े में खून है? इस पर कुछ लिखा हुआ है। शाम। शाम? अब ये शाम कौन है? वो हम बाद में पता लगाएंगे। चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। चलो। यामिनी, ये कहाँ चली गई? यामिनी, नहीं रुको! ये पूरा दलदल है, हम दोनों भी फंस सकते हैं, पीछे हटो। यामिनी, हिलना मत, वरना तुम और फंस सकती हो। कोई खींच रहा है मुझे। यामिनी, इसे पकड़ो। यामिनी छोड़ना मत यामिनी। यामिनी, एक मिनट जमीन पे लेट जाओ। यामिनी अपना हाथ दो यामिनी। छोड़ना मत तू। यामिनी,
उनके। थैंक यू सो मच। अगर तुम दोनों नहीं होते तो आज शायद मैं भी नहीं। दोस्त भी कहती हो और थैंक यू भी बोलती हो। वैसे तुम्हें अंदर कौन खींच रहा था? पता नहीं यार, अंदर एक हाथ था। एक हाथ? अरे बस बस एक मिनट। कहिए। क्या आप इस कस्बे में किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो जंगल में अक्सर जाता है? जी नहीं मैडम, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। सुनील, सुनील, अच्छा हो तुम मिल गए यार। क्या हुआ साहब? सुनील, यहाँ पे तुम क्या ऐसे इंसान को जानते हो जो अक्सर जंगल आता जाता रहता हो? जंगल में कभी जंगल जाता है या कभी जंगल के नजदीक? लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? किस फावड़े को पहचानते हो तुम? ये किसी श्याम नाम के आदमी का। श्याम का? अब बताओ क्या तुम जानते हो किसी श्याम नाम के आदमी को? हाँ साहब, श्याम तो लकड़ा रहा है और वो जंगल के पास ही रहता अपने दोस्त मंगेश के साथ। और क्या जानते हो आप श्याम के बारे में? वो गैर कानूनी ढंग से लकड़ियां काट कर बेचता है, इसलिए पुलिस को उसकी तलाश। तभी तो जंगल में छुप कर रहता है। कस्बे में आकर तो पकड़ा नहीं जाएगा साहब। चलो जंगल चलते हैं, देखते हैं आखिर रहता कहाँ है ये शाम। क्या शाम यहाँ पर रहते हैं? नहीं नहीं, यहाँ कोई शाम नहीं रहता। चलो यहाँ से। शाम यहीं पर रहता है ना? हाँ, हमें उसका फावड़ा मिला दलदल के पास। मैंने बोला ना यहाँ नहीं है शाम। तुम कौन? कहीं तुम शाम के दोस्त मंगेश तो नहीं? तुम लोग कौन हो? देखो मंगेश, हम सिर्फ शाम से बात करना चाहते हैं। कहाँ है शाम? मैंने बोला ना यहाँ शाम नहीं है। देखो मंगेश, हमें पता है कि तुम दोनों गैर कानूनी तरीके से पेट काट कर बेचते हैं, है ना? देखो तुम चाहते हो कि हम पुलिस के पास जाए? नहीं ना? तो सच सच बताओ क्या कर रहे थे उस दिन तुम लोग जंगल में? जंगल? हम उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे जंगल, कभी नहीं। तो फिर बताओ शाम कहाँ है? कहाँ है शाम? मर गया वो। मर गया? लेकिन कैसे? दलदल में फंसकर मर गया उसी जंगल में। दलदल में फंसकर मर गया? यही पावड़ा लेने के लिए गए थे हम लोग, यही पावड़ा। पावड़ा लेने के लिए गए थे हम लोग। तुम दोनों इस पावड़े के साथ कर क्या रहे थे? हम लोग नहर के पानी का रास्ता बदल कर उस दलदल को जिंदा किया था हम लोगों ने। लेकिन तुम दोनों ने ऐसा किया क्यों? पैसे के लिए। पैसों के लिए? किसने दिए तुम्हें पैसे? गुलशन ने। गुलशन? गुलशन कौन है? गुलशन? गुलशन, गुलशन,
मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाता है। ये गुलशन हमें मिलेगा कहाँ? मत मिलना, कभी मत मिलना, वो सबको मार डालेगा, सब मर जाएंगे, आप भी मारे जाओगे, आप भी मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे? हमें किसी भी हाल में इस गुलशन को ढूंढना होगा। इस किताब में आत्माओं के बारे में लिखा है। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? इस गांव के तो लगते नहीं हो तुम लोग। जी जी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। तुम गुलशन ही हो ना? गुलशन नहीं, मौत हूं मैं, मौत इन सब गांव वालों की। इतनी नफरत क्यों करते हो तुम इन गांव वालों से? अरे मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया गांव से। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ दिया इन लोगों का? हमें बदला लूंगा, एक एक से बदला लूंगा, और इन गांव वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे पूर्वजों की, जो उनके साथ ना इंसाफी हुई है। ना इंसाफी? कैसी ना इंसाफी? इन गांव वालों ने ऐसा क्या किया? कहते हैं कि मैं आत्माएं बुलाता हूं। हाँ, बुलाता हूं मैं आत्माएं, लेकिन मेरे पूर्वजों ने क्या किया था? कौन थे तुम्हारे पूर्वज? थे नहीं, हैं। वापस आ चुके हैं, दलदल में रहते हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे वो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे वो। ऐसा तो क्या हुआ था तुम्हारे पूर्वजों के साथ? इन गांव वालों ने मार डाला था उन्हें, और अब वो सब गांव वालों को मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे, ये बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेगा इनमें से। लेकिन इन गांव वालों ने इनके साथ किया क्या था? गांव वालों के खून की प्यासी थी, इसलिए वो वापस आ चुके हैं, सारे गांव को इसी दलदल में डुबोने के लिए। मगर किसी फकीर ने नहर का रास्ता मोड़कर दलदल को सुखा कर बचा लिया गांव वालों को। पूरा ना होगा मेरे पूर्वजों का इंतकाम, गांव वालों को उसका प्रायश्चित करना होगा। तब मैंने शाम और मंगेश को पैसे का लालच देकर नहर का पानी दलदल की तरफ मोड़ने को कहा, और पैसे ने मौत को खरीद लिया। नहीं, ये सब बंद करो, हम तुम्हें और लोगों की जान नहीं लेने देंगे। तुम लोग रोकोगे मुझे? कोई नहीं रोक सकता मुझे, कितने बरसों इंतजार किया मैंने इस रात का, शक्ति और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। आज मेरा बदला पूरा होके रहेगा।
पास। आज मेरे सपने पूरे होकर रहेंगे, कोई नहीं सकता। सारे गांव को मरना पड़ेगा, पूरा गांव मरेगा आज की रात। अरे रुचिर, दरवाजा खोलो, रुचिर, दरवाजा खोलो। आज की रात को दलदल इन सारे गांव वालों को निकल जाएगा, लेकिन हमें किसी भी तरह उसे रोकना पड़ेगा। पर हम यहां से निकले कैसे? मेरे पूर्वजों, मैं गुलशन आपका आह्वान करता हूं। जागो, जागो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आज आपका बदला पूरा होने को है। तबाह कर दो इस गांव को, तबाह कर दो। वादा किया था आपने कि वो सारी शक्तियां मुझे मिलेगी। मैं आपका वंश और सारी शक्तियां मांगता हूं। बना दो मुझे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। आप लोगों के साथ हुई मैं इंसाफी का बदला लेना है मुझे। गांव वालों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। दुवादो इस सारे गांव को उसी चादर के नीचे। याद दो तो साल पहले आपको मारा था, और वो शक्तियां मुझे दे दो। मैंने अपमान सहा है गांव वालों का, क्या क्या कुर्बानियां दी है मैंने वो शक्तियां पाने के लिए। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। आज अभी इसी वक्त मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। क्या कर रहे हैं आप लोग दोस्त? ये आप नहीं कर सकते दोस्त। मैं आपका वंश हूँ। जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। रोशनी कहीं वो तो नहीं? ये क्या यहाँ भी रोशनी? खून खून खून। नहीं नहीं सुनना मुझे तो, नहीं सुनना।
सुनील मत जाओ, मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी वहाँ। मत सुनो ये धुन, मैंने कहा ना बाहर मत जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं। सुनील रुक जाओ, मत जाओ सुनील, मेरी बातें सुनो सुनील, दरवाजा खोलो सुनील। यहाँ से नहर का पानी सीधा दलदल की तरफ जाता है, तो श्याम और मंगेश ने गुलशन के कहने पर पानी को इस तरफ मोड़ा, जिस वजह से दलदल जिंदा हो गया। उसका मतलब यह है कि जहाँ से ये पानी मोड़ा गया है वो उस तरफ होना चाहिए। हाँ। अरे ये दलदल की तरफ कौन जा रहा है? ये तो सुनील है, लेकिन ये सुनील दलदल की तरफ क्यों जा रहा है? सुनील, 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 सुनील। इसने तो अपना होश खो दिया है। सुनील, सुनील, सुनील। ये मैं कहा हूं? तुम जंगल में हो सुनील? जंगल में? ये तुम दलदल की तरफ क्यों जा रहे थे? वो तीनों गांव में पहुंच गए हैं साहब। तीनों? कौन तीनों? वो तीनों आत्माएं सारे गांव वालों को मार डालेंगी साहब। ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग नींद में चल रहे हैं। एक काम करते हैं, इन्हें जगाते हैं, शायद इससे इन लोगों को जाए। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, इन लोगों को रोकना हमारे बस में नहीं। तो क्या करें? और कोई रास्ता है क्या? हमें उस नहर के पानी को दलदल में जाने से रोकना होगा। तो क्या उसे दलदल सूख जाएगा? नहर के पानी से अगर दलदल जिंदा हो सकता है तो वहां मिट्टी डालने से वो सूख क्यों नहीं सकता? हाँ, अब यही रास्ता है लोगों को बचाने का। इससे पहले के गांव वाले दलदल तक पहुंचे, हमें इस नहर के पानी को दलदल तक जाने से रोकना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी करना होगा।
अब क्या करेंगे यार? यामिनी, तुम मिट्टी भरती रहो, हम इन गांव वालों को रोकते हैं। चलो राघव, चलो। अरे भैया रुक जाइए, रुक जाइए। अरे आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? आगे खतरा, आगे दलदल है, मारे जा सकते हैं। आगे आप लोगों की मौत है, देखिए आप लोग रुक जाइए, मर सकते हैं। अच्छा दलदल है, रुक जाइए, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? ये लोग हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे? ये लोग हमारी बातें तब तक नहीं सुनेंगे जब तक ये बांसुरी की धुन नहीं बंद हो जाती। हमें किसी भी तरह ये बांसुरी की धुन को रोकना होगा हर्ष, पर कैसे? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज नजर की तरफ कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, समझ गए? सिवाय तुम लोगों के। और जब तक तुम लोग दलदल तक पहुंचोगे, दलदल सूख चुका होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। वो आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। आप लोगों ने हमें नया जीवन दान दिया है, ये एहसान हम गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। जीवन दान देने का काम ऊपर वाले का है, बस एक बात का ख्याल रखना, उस दलदल में फिर से पानी नहीं आना चाहिए, वरना फिर से दिखाई देगी लालटेन की रोशनी और गुंजे की मौत की आहट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।